हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जो कि है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, यानी कि एचपीएस या एचएस जिसको भी एग्जाम आप बोलते हो, ठीक है। तो उसकी नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। बहुत से लोग जो है एचएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो लास्ट डेट की सबसे पहले बात करें तो वो है 6/2/2019, यानी कि 6 फरवरी तक जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो रात 11:59 तक। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी जॉब के लिए है, साथ ही साथ क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एग्जाम सिलेबस रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आप शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी उनके अंदर पोस्टें दी गई है। तो सबसे पहले है 4 वैकेंसीज, ठीक है, 4 वैकेंसीज है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, क्लास 1 गैजेटेड। पे स्केल जो आपका रहेगा वो 15,600 से 3900 तक, मतलब 39,000 तक के अप्रोक्स रहेगा, और 5400 आपकी ग्रेड पे रहेगी, ठीक है। तो ये तो होगी 4 वैकेंसीज। अब किस किस कैटेगरी में है, तो 1 वैकेंसी जो है वो है शेड्यूल कास्ट की, यानी कि एससी की, ठीक है। फिर 1 वैकेंसी जो है वो ओबीसी की है, ठीक है। और उसके बाद जो 2 वैकेंसीज रहेंगी वो रहेंगी हम आपकी जनरल की, ठीक है। तो 2 वैकेंसीज जनरल की, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, 2 वैकेंसी जनरल की, 1 वैकेंसी जो है बैकवर्ड ओबीसी की, ठीक है, और फिर 1 वैकेंसी जो है वो एससी की है, ठीक है। तो ये होगी हमारी टोटल 4 जो हमारी है एचपीएएस, यानी कि जो आपके एचएस वगैरह जो टॉप वैकेंसीज होती है एसडीएम वगैरह की, उसके लिए। नेक्स्ट जो आपकी आपकी वैकेंसी है वो है 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन यूआर, ठीक है। जनरल में एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है, जो कि है तहसीलदार क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की, और इसका जो पे स्केल है वो 10,300 से 34,800 प्लस 5,000 ग्रेड पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 8 वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी जॉब में है, ठीक है, जो कि है बीडीओ की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की, क्लास 1 गैजेटेड। पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 5,000 ग्रेड पे। अब इनमें कौन कौन सी 8 वैकेंसीज किस किस में डिवाइड की गई है, सबसे पहले जो है वो 1 वैकेंसी है आपकी एससी की, ठीक है, 1 वैकेंसी एससी की। उसके बाद 1 वैकेंसी आपकी जो है वो एसटी की है, 1 वैकेंसी आपकी फिजिकल हैंडीकैप की है, ठीक है, और बाकी जो 5 वैकेंसीज रिमेनिंग रह गई है वो आपकी है जनरल की, ठीक है। तो ये अब आपकी पूरी होगी हमारी 8 वैकेंसीज। उसके बाद 1 वैकेंसी जो जनरल की है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर की, 10,300 से 34,800 प्लस 5,000 ग्रेड पे है, क्लास 2 की है ये, ठीक है। तो 1 वैकेंसी जो है वो इसमें है। तो ये टोटल वैकेंसीज है जो वो है हमारी 14 वैकेंसीज, ठीक है। तो कई बार होता है कि वैकेंसीज बाद में बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए हम वेट करेंगे, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए 14 वैकेंसीज जो है टोटल निकली है, ठीक है। तो 6 फरवरी तक आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो। वैसे इतनी खास नहीं है, क्योंकि आप पहले भी अगर एग्जाम को भर चुके हो, और नहीं भी भरा है तो भी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कोई भी आपको डाउट होता है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो इन नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हो। प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, देखिए, सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है आपको पता होगा। एचपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपने पहले से अगर ओटीआरएस सिस्टम किया है, अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करके फिलअप किया है तो डायरेक्ट आपको फीस सबमिट करवानी पड़ेगी, अगर नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपने पहले एलाइड का फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्टली जो है फीस सबमिट कराएंगे पोस्ट सिलेक्ट करके, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ आपको पता होगा कि जो चलान वगैरह होता है, जो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो सब कुछ उसी के थ्रू होगी, ठीक है। स्टेजेस कौन कौन सी होती है इसमें, स्टेजेस होती है इसमें प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है, 3 स्टेजेस होती है। पहले फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम, फिर आपका मेंस होता है, उसके बाद आपका वाइवा वॉइस होता है, जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। तीनों के बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, पर 3 स्टेजेस होते हैं। सेकंड में आपको पता होगा कि ऑप्शनल के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 1 ऑप्शनल होता था, पहले 2 होता था, बट 2016 से इसको चेंज करके 1 कर दिया गया था कि 1 ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है 31 दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, लॉ, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी, संस्कृत, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल के सारे ब्रांचेस जो ना, मतलब इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस, ठीक है। फिर आपकी साइकोलॉजी होगी, जियोलॉजी होगी, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री होगी, फॉरेस्ट्री होगी, हॉर्टिकल्चर होगा, मेडिकल साइंसेज होगी। तो ये 31 जो है टोटल आपका दिया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप इनमें से कोई भी आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर बताया गया है कि ई पेमेंट गेटवे आप ऑनलाइन जो है इसको सबमिट कर सकते हो। 6/2/2019 जो लास्ट डेट है दोबारा से यहाँ पर बताया गया है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपए, अदर स्टेट के लिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल ही माने जाओगे, तो उनके लिए भी 400 है, ठीक है। एससी ऑफ एचपी, एससी एच मतलब एससी एसटी और ओबीसी और बीपीएल जो भी हैं, ठीक है, सारों के लिए 100 है, और एक्स सर्विसमैन जो एचपी के या फिर ब्लाइंड है या विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसमें दी गई है। देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा उसके सेंटर यहाँ पर बताए गए हैं, शिमला है, सोलन है, मंडी है, सुंदरनगर, पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, नाहन, ऊना, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर एंड कुल्लू। ठीक है, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स होते हैं, आई थिंक सारे जो सेंटर हैं उनमें ही दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके सेंटर इन्हीं में जो है एग्जामिनेशन होंगे आपके। फिर यहाँ पर एडमिशन एंड रिजेक्शन के बताया गया है कि अगर आपकी जो है फी आपने अच्छे से सबमिट नहीं की है, ठीक है, अगर आपके जो इनकम्प्लीट फॉर्म है, आपके सिग्नेचर नहीं है या फोटोग्राफ नहीं है स्कैन, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्म भरते हो आप पहले पिक डाल देते हो, कई बार वो रिमूव हो जाती है, तो अच्छे से देख के एक बार अच्छे से एनालाइज करके फिर ही जो है फीस सबमिट या फॉर्म को जो है सबमिट करिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका बाद में, आपको यूजर आईडी आपको याद रखनी है उसके अकॉर्डिंग, वो सब आपको पता है, आप फॉर्म पहले भी भर चुके होंगे। यहाँ पर सेकेंड स्टेज बताई गई है, पहली प्रीलिम होती है, दूसरा होता है मेन रिटर्न एग्जामिनेशन, उसमें जो सिलेक्ट होंगे, ठीक है, बाद में उनको जो है वो वाइवा वॉइस के लिए जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो है वो 21 साल से 35 साल तक अगर आपकी उम्र है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जिसको आप अगर चाहें तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको फिलअप करना है, एचपीपीएससी पर जाकर। अगर आपने पहले भी एलाइट का भरा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बाकी अगर नहीं भरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके वहां पर अपलोड करने होंगे। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। जिनको नहीं पता है, वैसे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो मिल जाएगी कैसे उसके लिए तैयारी करें अच्छे से, पूरा डिटेल सिलेबस, वैसे हम इसमें भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले होगा आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन, जिसको आप प्री बोलते हैं। तो इसमें दो एग्जाम होते हैं, यानी कि एक ही दिन में आपके दो पेपर होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, जनरल स्टडीज का होता है, और दूसरा आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज में आपके पास जीके वाले पोर्शन कवर किया जाता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पास साइकोलॉजी के थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होती है और इंग्लिश होती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, कोड नंबर वन और कोड नंबर टू होते हैं। पहले पेपर अगर जनरल स्टडीज की बात करें तो यहाँ पर 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, और जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस होंगे और आपको 200 का पूरा एग्जाम होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर बात करें सेकंड में, उसमें भी 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और साथ ही साथ जो होगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये जो सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, जो आपकी मेरिट डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है टोटल आपकी फर्स्ट पर जनरल स्टडीज पर। ठीक है, और इसके कोई भी मार्क्स जो है आपके मेन्स में या फिर लास्ट में नहीं जुड़ते हैं, तो ये सिर्फ आपको क्लियर करना है। ठीक है, और जो आपकी मेरिट होगी वो डिपेंड करेगी आपकी जनरल स्टडीज वाले पेपर में, मतलब जो भी प्री का रिजल्ट आता है। सेकंड वाला सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आई थिंक 33% होता है, 66 मार्क्स आपको जो लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप ले लेते हो तो आपका जो है क्लियर माना जाएगा। उसके बाद जनरल स्टडीज के ऊपर अगर आप जितने भी ज्यादा नंबर लोगे, जो भी मेरिट लगेगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सिलेक्शन होगी। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जनरल स्टडीज की बात करें, कोर नंबर वन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पूरा सेक्शन इसमें कवर होगा। ठीक है, उसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपके जो है करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, सभी कवर होंगे। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, वो कवर होंगे। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सब कवर होंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पंचायती राज आपका है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट इश्यू है, सभी कुछ। ठीक है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ठीक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, जो भी पूरा सेक्शन है, ठीक है, वो आपका मतलब एक भी क्वेश्चन ये नहीं छोड़ते हैं, सारे सेक्शन जो है ये कवर करते हैं जनरल स्टडीज के अंदर। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। पेपर सेकंड की बात करें, एप्टीट्यूड टेस्ट की, कॉम्प्रीहेंशन मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन मिलते हैं, बेसिक जो नंबर्स और रिलेशन होते हैं, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, जो बेसिक आपका मैथ होता है 10th लेवल का, वो आपको दिया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है 10th लेवल की, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जनरल से क्वेश्चन होते हैं जो डाटा सफिशियंसी के होते हैं क्लास 10th के, वो आपसे पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी के डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपके पास पूरा एक स्टोरी टाइप दिया जाएगा, तो उसके बेस पर आप क्या डिसीजन लोगे वो आपका देखा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीलिम एग्जामिनेशन कर लेते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है, तो 400 नंबर का है, और 20 टाइम्स जो वैकेंसीज, ठीक है, वैकेंसीज जितनी है उसके 20x20 टाइम्स जो है टोटल कैंडिडेट जो है मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 33% होते हैं। उसके बाद जो है आपके जो पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट है, यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइंग नेचर का है, और 33% आपको जो है मार्क्स ऑब्टेंड करने। बाकी दूसरे पेपर में मैंने आपको पहले बता दिया, मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है आपकी। मेन रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, तो जो प्री में
क्लियर करेगा वो आपका मेंस में जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मेंस में कौन कौन से जो है सेक्शन होते हैं, नहीं तो मैं अलग से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी है कि नहीं बताइए बनानी है कि एचएस के लिए कौन कौन से मेंस में एग्जाम होते हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद वॉइस होता है, अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो जो भी एग्जाम्स होते हैं ठीक है, उसमें 20 टाइम्स टोटल वैकेंसी जो है 20 टाइम्स उसमें बुलाए जाते हैं ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थी वो मैंने सारी आपको बता दी है, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इसके ऊपर कि किस तरह से पूरा फुल डिटेल सिलेबस किस सेक्शन के अंदर क्या पढ़ना है आपको, तो वो हम आपको जरूर बता देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।